कल माजी नगर में तकरीबन 7 बजे से आज सुबह 10 बजे तक यहाँ पे करंट नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हुई। एक्चुअली ये हुआ था कि डीसी बहुत दिनों से डिस्टर्ब, दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। हर 2-3 दिन में एक बार या तो जीवल तो जाता था, नीचे से शॉर्ट सर्किट होकर वायर तो कट होता था। कंटिन्यूसली मैं बोलने के बावजूद भी चेंज नहीं हो रही थी। अभी कल पूरी डीसी जल गई। जलने के बाद फिर मैंने जेई और डबल ई से बात किया, तो फिर उन्होंने फ़ौरन मेरे को रिस्पांस दिया है। कल रात में तकरीबन 2 बजे AEE कभी भी मैं फ़ोन करने के बाद अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो उन्होंने मुझे सुबह में डीसी भेजा तो उनके वादा किया था। फिर मैं सुबह फजर के साथ ही उनको फॉलो किया, तो तकरीबन 10:30-11 बजे यहाँ पर करंट आया है। अभी भी इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस बाकी है, क्योंकि इसका ये 100 KV की डीसी रहने की वजह से लोड ज़्यादा इस पर है, तो बार बार डीसी पे लोड पड़ रहा है, तो इसको फ़ौरन लोड कम करना है। दूसरे बाजू और टीसी हैं जहाँ पे इसके पीछे साइड में तकरीबन 65 KV की एक टीसी है जिसमें लोड कम है, उस पर अगर इसको लोड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये अच्छा चलेगी। जसकॉम से मैं ये अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी महबूब नगर में ऐसा डिस्टर्बेंस है टीसी को लेकर, वो पूरे टीसी को बदल कर नए टीसी डालें, और पावर जो भी उस पर है उसको शेड्यूल प्रॉपर शेड्यूल करें। लोड जो भी टीसी पे उसको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करके एक माहौल अच्छा बनाए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बारिश के दिन हैं तो बार बार करंट जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो मैं KEB डिपार्टमेंट से फिर एक बार अपील करता हूँ कि फ़ौरन हर यहाँ के हर TC को नए TC बनाए, जो भी ज़्यादा वीक हुए हैं नए TC डालकर लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसको दूर करें।